हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लोनावला स्टाइल एकदम क्रिस्पी कॉर्न भजिया। और इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी कम टाइम और काफ़ी इजीली आप इसे घर पर बना सकते हो। इसके लिए एक बाउल में हम स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर एक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। साथ में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया का डंठल। इससे भजिया में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो फाइनली चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, साथ ही में एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और एक टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसे एकदम क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इससे हमारी जो भजिया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब इसके अंदर हम आधी कटोरी बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए कॉर्न को हाथ की मदद से अच्छे से मस लेंगे, जैसे कि हम आटा का डो लगाते हैं। इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होगी और कॉर्न के अंदर जो हल्का हल्का मॉइस्चर है वो रिलीज होगा, जिससे कि बैटर एकदम कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा बेसन कम या ज़्यादा लगे तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो भजिया का बैटर रेडी है, तो इसे हम तुरंत ही फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दोगे तो कॉर्न जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा और भजिया क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो एक बार बैटर बनने के बाद आप इसे फटाफट से फ्राई कर लें। इसके लिए आप सबसे पहले ऑयल को पहले से ही गर्म कर लें और ऑयल जब एकदम अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही इसमें भजिया को ऐड करें। और भजिया डालने के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, तभी आपकी जो भजिया है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो भजिया एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो दोनों तरफ से भजिया को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और जब भजिया क्रिस्पी हो जाए तो इसे अब हम निकाल लेंगे। सारे भजिया को हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो हमारी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी कुरकुरी कॉर्न भजी बनकर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस रेडी है हमारी क्रंची क्रिस्पी कॉर्न भजिया बनकर। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हो या फिर आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हो। आपको मेरी यह क्रिस्पी कॉर्न भजिया की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह कॉर्न भजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस विंटर इसे बनाकर ट्राई कर सकें। कॉर्न भजिया तो हमने बनाकर रेडी कर लिया, अब हमारी सेकेंड रेसिपी की ओर चलते हैं, जो कि है कांदा भाजी। विंटर के सीजन में कांदा भाजी और चाय को कोई भी बीट नहीं कर सकता है और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट से यह रेसिपी बन जाती है। तो चलो फिर इसे बनाते हैं। इसे बनाते टाइम अगर आप कुछ बात का ध्यान रखते हो तो आपकी कांदा भाजी एकदम क्रिस्पी बनती है। और इस रेसिपी में हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करेंगे। आज मैं आपके साथ एकदम ईजी वे में मार्केट जैसी कांदा भाजी बनाना बता रही हूँ। कांदा भाजी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपको प्याज को एकदम अच्छी तरीके से काटना है। जैसा कि मैं काट रही हूँ एकदम पतला पतला लेंथ वाइज आपको इसे काटना है। यहाँ मैंने 3 प्याज का यूज किया है। इस तरीके से लेंथ वाइज प्याज को कट करने से प्याज की जो लेयर है वो इजीली खुल जाती है। तो यहाँ मैंने कच्चा मिर्ची और स्प्रिंग ओनियन को भी कट कर लिया है। अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने 3 ग्रीन चिली का यूज किया है। अब हम प्याज में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन सब को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज की जो लेयर है उसे हम अच्छी तरीके से ओपन कर लेंगे। इसे आपको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ सके। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि प्याज जो है मॉइस्चर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसे साइड कर देंगे। अब हम धनिया सौंफ और लहसुन को अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून धनिया और 1/2 टेबल स्पून सौंफ का यूज किया है।
साथ में 5 से 6 कली लहसुन की। इन सब को कूट के हम प्याज में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कटी हुई स्प्रिंग ओनियन ऐड कर देंगे, कटी हुई कच्ची मिर्ची ऐड कर देंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसे हम फ्राई कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन ऐड कर दें। और अब हम कांदा भाजी को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर देंगे। इससे कांदा भाजी जो है एकदम क्रिस्पी बनती है। और अब हम इसमें 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। एक बार में आप इसमें 1 ही कप बेसन ऐड करें, अगर बाद में और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें बाद में और मिक्स कर दें। और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दिया है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो इसमें हम 1/2 कटोरी बेसन और ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें गरम गरम तेल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप जो भी ऑयल यूज करते हो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून गरम गरम ऐड कर दें। और अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, इससे हमारे कांदा भाजी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सबको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगे कि इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बैटर बनाकर रेडी नहीं करना है, आपको इसका एक मिक्सचर बनाना है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी डालना है तो इसमें हल्का सा पानी को आप छिड़क सकते हो। इसमें आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि प्याज काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ती है, तो ऐसा करने से आपका कांदा भाजी खराब हो सकता है। इसे आपको रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, आपको इसे इंस्टेंट फ्राई करना है। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दोगे तो प्याज पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा और ये जो है एक बैटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसका एक मिक्सचर बना के इसे तुरंत फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठीक होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी भज्जी जल सकती है। तो सारे भज्जी को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो हमारी कांदा भज्जी बनकर रेडी है, इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ चटनी भी सर्व कर सकती हो, बट मुझे पर्सनली इसके साथ चाय पसंद है। विंटर की सीजन में गर्मा गर्म कांदा भाजी और चाय मिल जाए तो मज़ा ही अलग है। तो इस विंटर सीजन में आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी यह कांदा भाजी की रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब बनाकर ट्राई कर रहे हो। साथ में कमेंट में मुझे आप यह भी बताना कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।